हेलो फ्रेंड्स, वन सेकंड, वेलकम बैक इन माय चैनल। मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिक मेकर सेल्फ यूनिक। कैसे हो आप लोग? दोस्तों, आप में से बहुत से बच्चे हैं जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, राइट? बट वो सोचते हैं कि यार इसके लिए इन्वेस्टर सर्च करना पड़ेगा, बड़े बड़े इन्वेस्टर आएंगे, वहीं जब इन्वेस्ट करेंगे तब जाके मैं एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ सकता हूं और ऐसा ऐसा काम होगा, अगर वो नहीं इन्वेस्ट किए तो फिर मेरा कैसे ग्रोथ होगा। नहीं, ये सब गलत है। आप बहुत कम से कम, मतलब न के बराबर से आप अपना एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, मेरा खुद का, मेरा एक स्टूडेंट है उसका भी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, समझते हैं किस तरह से हम लोग प्रैक्टिकली, मतलब हवा वाली बातें नहीं करूंगा कि यहां से 10 करोड़ आ गया, यहां से 20 करोड़ आ गया। नहीं, हम लोग मिडिल क्लास है तो मिडिल क्लास के अकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे किस तरीके से हम अपने एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे लोग जो जॉब में भी हैं, ऐसे लोग जो जॉब में नहीं है उनके लिए ज़्यादा बेटर है ये वीडियो। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आपके साथ बताना चाहूंगा, मेरा एक चैनल है आकाश पांडे नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, उस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लेना। उससे फायदा ये है कि उस पर मैं फाइनेंस के वीडियो डालता हूँ, किस तरीके से फाइनेंस फ्री हो सकता है इंसान, उसके बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा, प्लस आपकी फैमिली के लिए भी अच्छा रहेगा। सो आप भी उसको देखिएगा और अपने फैमिली को भी शेयर करिएगा। चलिए अब समझते हैं एंटरप्रेन्योरशिप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। गाइस, आप अगर ध्यान से देखोगे तो मैक्सिमम लोग, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हो, 80% लोग अपने विलेज से बिलोंग करते होंगे, अपने गांव से बिलोंग करते होंगे। और मेरे को अच्छे से एक्सपीरियंस है कि अभी भी गांव में सही तरीके से कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, लोगों को प्रॉपर वे नहीं पता है, पैसे ज़्यादा डालते हैं, आउटपुट कम आता है, ठीक है, स्पेस कम दिखेगा, मतलब ऐसे ऐसे प्लानिंग हो जाती है लोगों की। प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग होती ही नहीं है। ऐसे ऐसे प्लानिंग होती है कि रूम दिखेगा बहुत बड़ा, अंदर से आगे देखोगे बहुत छोटा है, सही तरीके से उसको किया नहीं है। वास्तु का तो मतलब दूर दूर तक कोई काम ही नहीं समझ में आया कि वास्तु नाम की भी कोई चीज़ है। गांव से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गांव से बिजनेस स्टार्ट करना बड़ा आसान है, ठीक है। कैसे कर सकते हो आप अपने इस एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी को स्टार्ट? आपको सिर्फ एक कॉन्टैक्ट निकालना है, ठीक है, आपको सिर्फ एक कॉन्टैक्ट निकालना है। आपको पता करना है कि आपके आसपास कौन है जो अभी धीरे धीरे, अगर तरीका बताऊं तो बस ये देखो कि कौन है जो ग्रो कर रहा है, ठीक है, आपके आसपास में कौन है जो ग्रो कर रहा है। उससे जस्ट पूछो कि क्या तुम अपना घर बनाना चाहते हो, तो 80% चांस है वो बोलेगा यस, ठीक है। जो भी ग्रो करता है वो उसका पहला फोकस होता है कि प्रॉपर्टी मेरे पास हो, और प्रॉपर्टी में भी वो चाहता है मेरा एक अच्छा सा घर हो, ठीक है। अब आपकी ये मेहनत है कि आप एक क्लाइंट कैसे सर्च करेंगे। एक क्लाइंट सर्च करिए, और ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आप सब इंजीनियर हैं, और ये भी मान के चल रहा हूँ कि आपने मेरे से या फिर किसी से भी प्लानिंग प्लस मॉडलिंग सीख रखी होगी, क्योंकि इसके बिना इसमें एंट्री ठीक नहीं रहेगी। तो नहीं किए हो तो पहले जाके यूनिसिविल ऐप पे चले जाओ, आपको ऑल इन वन जो अपना कोर्स है उसमें सब कुछ है, ठीक है, सब कुछ है। मतलब उसमें आप प्लानिंग भी कर सकते हो और मॉडलिंग भी कर सकते हो, स्ट्रक्चर के एनालिसिस भी कर सकते हो। ये तीनों काम अगर आते हैं तो अगर मैं क्लाइंट हूँ तो आप मुझे अप्रोच आसानी से कर पाओगे। अब मेरे पास आए, आपने बोला सर आप दिन भर अपने काम में बिजी रहते हो, आपको भी तो अपने सपनों का घर चाहिए होगा। मैं बोलूँगा हाँ यार मुझे तो चाहिए, एक्चुअल में सच में चाहिए, ठीक है। तो अब आप मेरे पास आ गए, अब आपने बोला कि सर मेरे पास एक जगह है, अगर आप चाहें तो वो, या फिर आपके पास कोई प्रॉपर्टी हो तो बताइए, उस पर मैं आप जैसा ड्रीम हाउस चाहते हैं वैसा घर में बना के दे सकता हूँ, ठीक है। मेरे से आपने रिक्वायरमेंट लिया, मैंने बताया यार मुझे ऐसा चाहिए, मुझे एक ऑफिस चाहिए, मुझे एक वहाँ पर रहना भी है, ये करना है, कार पार्किंग करनी है, बाइक पार्किंग करनी, तरह तरह की मैंने अपनी सर्विस बताई। आपने उसके हिसाब से अपना बेस्ट दिया, एक बढ़िया सा प्लान, और आपको लगा कि मुझे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा प्लान में, तो आपने एक मॉडल बना के हमको दिखाया कि सर देखिए आपके पास ये प्लान है और इस तरीके से आपका घर बन के दिखेगा, मॉडल 3D में दिखा दिया। मैक्स पॉसिबिलिटीज़ है कि मैं बोलूँगा हाँ यार ये तो अच्छा है, ठीक है, थोड़ा सा मुझे समय दो और मैं इसके बारे में सोचता हूँ, ठीक है। अगर मेरे पास पैसे हैं तो 1-2 महीने के अंदर मैं आपको रिस्पॉन्स जरूर करने वाला हूँ। इन केस में मना करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, ऐसा मेरे जैसा ही कोई इंसान सर्च करिए जो कि ग्रो कर रहा है, जिसको चाहिए कि नहीं मुझे अभी ऐसा कुछ चाहिए, और सब लोग कर सकते हो। अपने रिलेटिव्स में एक बार सर्च करो, अपने आप आपको मिल जाएगा। दोस्तों में सर्च करो कि दोस्तों में किसी के फादर है जिनको घर की नीड है, या फिर जो लोग जॉब में है उनको भी घर चाहिए, वो कहाँ से बनवाएंगे, ठीक है। उन्हें थोड़ा सा बेनिफिट बताओ कि अगर आप रेसिडेंशियल हाउस बनाते हो और अपार्टमेंट लेते हो, बेनिफिट किस में है, तो आप उनको बेनिफिट अच्छी चीज़ भी बताओ और साथ ही साथ उसमें आपकी भी नीड निकल रही है। आप उनको बोलो कि आप जो पैसे इन्वेस्ट करने वाले हो, कॉन्ट्रैक्टर को देने वाले हो, वो आप मुझे दे दो, ठीक है, और मैं आपको बेस्ट से बेस्ट मटेरियल अभी लिख के दे दे रहा हूं, ठीक है। मेरे पास प्रोस्पेक्टस है, कैसे कैसे आपको देना होता चाहिए वो ले लीजिएगा।
अभी दे रहा हूं कि मैं आपको क्या क्या देने वाला हूं, प्रॉपर वैसा ही बना के आपको दे दूंगा। एक क्लाइंट अगर आपका अच्छा निकल गया, बिलीव करिए एक साइट से, मतलब 6 महीने अगर साइट चलने वाली है, कितना भी कम कमाएंगे आप तो 1,00,000 रुपए की आपकी सेविंग हो जाती है। मैं बहुत कम बता रहा हूँ, 1,00,000 रुपए की सेविंग आपकी हो ही जाती है। और प्लस जैसे ही आपका एक हाउस कंप्लीट होता है, पेंटिंग उसकी स्टार्ट होती है, दिखने लगता है ना, वो आपका एक एडवर्टाइजमेंट बन जाता है, क्योंकि दूसरा जो भी बनता वहां से निकलेगा वो बोलेगा यार क्या घर है, एक छोटा सा वहीं पे फोटो स्टेट करा के पोस्टर लगा दो कि बनाने के लिए संपर्क करें, ऑटोमेटिक आपको कॉल आएगी। और दूसरा ऐसा स्टार्ट होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा, दूसरा प्लान मिल जाएगा, क्योंकि अब आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं, आपने प्रूफ कर लिया है एक छोटे से घर से। मैं कहता हूँ उसमें बेनिफिट मत ही लो, ठीक है, अब मत ही लो, मतलब कहीं पर जॉब करोगे 12-15 हज़ार रुपये देगा, उतना निकाल लो, ठीक है, बाकी बोल दो भैया ये मेरा सैलरी ले लिया, आप मुझे चाहिए नहीं, मैं पूरा इनको दे दे रहा हूँ, ठीक है, आपका एडवर्टाइजमेंट तैयार। दूसरी बार प्रूफ करने की जरूरत नहीं, दूसरी बार 10% पैसा बढ़ा भी दोगे तो लोग, अगर आपने काम अच्छा करवाया है तो लोग देख के अपने आप आपको काम दे देंगे। दो हो गए तो अब अपने आप से डिफरेंस निकलना स्टार्ट हो जाएगा, 2 से 4 होंगे, 4 से 6 होंगे, आप सोच भी नहीं सकते, जितना आप 10 साल के जॉब में कमाते हैं उतनी इनकम आप 10 से 12 महीने में अर्न कर सकते हो अगर आपको क्लाइंट मिलते गए। ऐसे ऐसे मेरे कई ढेर सारे स्टूडेंट्स जिनके पास 8-8, 9-9 साइट्स चल रही हैं। कितनी चल रही हैं? 8-8, 9-9। ये वही बच्चे हैं जो कहीं पर साइट इंजीनियर बन के 12,000-11,000 की जॉब में रात को 2 बजे तक भटकते थे, सुबह फिर जल्दी जल्दी से नहा के 10-9 बजे साइट पर पहुंचते थे, परेशान हो चुके थे, बट उनको इस तरीके से आइडिया मिला और धीरे धीरे वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ गए। आज वो अच्छे खासे तरीके से अपने आप को स्टेबल कर चुके हैं। तो अब क्या हो गया, वो एक तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप है, ठीक है। उसने क्या कर रखा, उसने खुद एक साइट, एक दो साइट इंजीनियर हायर कर रखे हैं, एक एक साइट पर बैठा दिया कि भाई तुम लोग देखते रहो, हम आके विजिट करते चले जाएंगे। तो धीरे धीरे एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। आपको प्राइजेस नहीं पता है, मुझे कमेंट करिए, मैं पूरा प्राइजेस बताऊंगा। आपको पता करना है कि मेरा क्या क्या काम होगा एज ए कॉन्ट्रैक्टर, वो अगर आप कमेंट करेंगे मैं उसके बारे में बता दूंगा। आपको पता नहीं कि मार्केट में कौन सी चीज़ कितने की मिलती है, वो भी मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। जो आपको चाहिए मेरे तरफ से हेल्प, कमेंट करिए, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन लीड निकालने का काम आपका है, क्योंकि लीड जब मुझे मिल जाएगा तो मैं तुमको क्यों दूंगा, ठीक है। डेफिनेटली जो मेरे पास लीड है उनको मैं ही तो हैंडल कर रहा हूं ना, ठीक है, तो डेफिनेटली कोई भी नहीं देगा। लेकिन दूसरे कोई भी हेल्प चाहिए आपसे, आपको, तो मुझसे आप शेयर कर सकते हैं, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। एंटरप्रेन्योर अगर आप बनेंगे तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आप दूसरों को जॉब दे पाएंगे। उसके बाद ये होगा कि अगर आप सिविल इंजीनियर हो और आपका एक स्टैंडर्ड बन जाता है तो कम्युनिटी के अंदर एक आपका लेवल बनता है कि यार ये सिविल इंजीनियर है, देखो इस तरह की इसकी स्टेबिलिटी है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारी जो कम्युनिटी है वो भी ग्रो होगी। कैसे, अभी आज के टाइम में अगर देखोगे, अरे नहीं यार सीएस से कर लो सबसे बढ़िया है, सीएस में 12 लाख का पैकेज मिलता है, ये सिविल वालों का कुछ नहीं है 2 लाख के पैकेज पे। उनको ये नहीं पता है कि एक सिविल इंजीनियर अगर सही तरीके का कॉन्ट्रैक्ट पा गया, ठीक है, 10 लाख रुपये महीने का छापेगा, वो 10 लाख रुपये महीने का छापेगा, इस बारे में कोई भी सोच नहीं सकता। बस वो यही देखेंगे यार वो 12 लाख का पैकेज ले रहा है, सिविल वाला 3 लाख का पैकेज ले रहा है। तो अपने आप को प्रूफ भी करना है कि यार देखो हमारी कम्युनिटी में भी बहुत जॉब है, बहुत स्केल है, बस इसमें जरूरत है एंटरप्रेन्योरशिप की। अगर अच्छे अच्छे एंटरप्रेन्योर आ गए अपने आप लेवल इंक्रीज हो जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, होप आपके लिए ये इंस्पिरेशन रहा होगा। मैं खुद भी ऐसे ही काम भी स्टार्ट किया हूँ, अभी भी मैं ऐसे ही काम पे हूँ, मतलब मैं नहीं बोलूँगा मेरा टर्नओवर करोड़ में हो गया, क्योंकि मेरे को फेक बातें करने नहीं आती, जो ओरिजिनल है वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फिर भी हम लोग जॉब से 10 गुना ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं और डेफिनेटली आगे 1-2 साल में और ज़्यादा बढ़ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस गाइज। साथ ही साथ अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करना यार, और कमेंट के साथ शेयर कर दिया करो, 1 मिनट लगता है। अगर इतना मेहनत में करता हूँ, रिकॉर्डिंग करता हूँ, एडिटिंग करता हूँ, अपलोड करता हूँ, थोड़ा सा आप शेयर कर दिया करो तो मेरे को भी लगेगा यार चलो अच्छा काम हो रहा है, लोगों को सीखने को मिल रहा है। जय हिंद।